आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए ऑथेंटिक सांभर की रेसिपी, जिसको हमने कुकर में बनाया है बहुत ही झटपट तरीके से और बहुत ही आसानी और जल्दी से बन जाता है ये, और पर स्वाद में बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये सांभर। तो सांभर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप तुअर दाल, इसको अरहर की दाल भी बोलते हैं, और इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए सोक कर दिया था, और अब इसको मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो अब इसको हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है और उसमें सारी दाल को ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पे जितना दाल है उसका 2 गुना पानी हम डालेंगे, यानी 1 कप दाल में आपको 2 कप पानी डालना है। और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी और ऑयल। ऑयल इसलिए डाला है ताकि जब हम दाल को प्रेशर कुक करेंगे दाल बाहर नहीं आए कुकर से, और इसको हमें हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पकाना है। तो जब तक यहाँ पर सीटियाँ आती हैं तब तक हम लोग इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि हम सब्जियों को भून लेते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़ी कड़छी ऑयल और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें जाएगी सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच राई और हींग। हींग जरूर डालना है, अगर आपने हींग नहीं डाली तो आपका सांभर इनकम्प्लीट है। और अब इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता को भी अच्छे से भून लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने ले लिए सब्जियाँ, ये है लौकी और बैंगन लिया है मैंने, और साथ में ड्रमस्टिक्स, गाजर और प्याज। तो सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, बस थोड़ा सा सौते ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और अब इसमें हम डाल देंगे सारी सब्जियाँ। आप सांभर में अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं, जैसे कि आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं, पेठा भी डाल सकते हैं, तो आप मनचाही सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब सब्जियां अच्छे से भून गई हैं, और अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टमाटर लिया है, वो भी डाल देंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, ध्यान रखिए नमक हमने दाल में भी डाला है। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच सांभर मसाला, यहाँ पे मैंने मार्केट वाला मसाला ही यूज़ किया है। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची, और फिर से मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले का टेस्ट सब्जियों में अच्छे से चला जाए। बस अब हमने सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। तो यहाँ पे हमारी सब्जियाँ भून गई हैं, तो चलिए अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल भी अच्छे से पक गई है, अच्छे से गल गई है। तो बस अब हमने क्या करना है, एक विस्कर लेना है, और इस विस्कर से हमने दाल को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि ये दाल एक जैसी हो जाए, खड़ी खड़ी ना रहे, ताकि हमारे सांभर का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आए। और बस अब इसमें सारा मसाला डाल देंगे, बस ध्यान रखना कि कढ़ाई से सारे फ्लेवर्स निकाल लेना। और बस इसमें अब डाल देंगे 2 कप पानी, और अब इसमें जाएगा इमली का पल्प। यहाँ पे मैंने 1 कप इमली का पल्प डाला है, आप अपने हिसाब से आपको कितना खट्टा अच्छा लगता है आप उसी के हिसाब से इसमें इमली डालिएगा। और अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा मिठास देने के लिए गुड़, खट्टी मीठी सांभर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। और हाँ, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप उसकी जगह 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। तो बस अब आप कुकर को बंद कर देंगे और बस 1 विसल आने तक इसको पकाना है। पर अगर आपको ज़्यादा गली हुई सब्जियाँ पसंद हैं तो आप इसमें 2 सीटियाँ भी लगवा सकते हैं। तो अब कुकर को ओपन करके चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं और सांभर का टेक्सचर भी एकदम बराबर आया है। और वैसे भी इसको इतना ही पतला रहने देंगे, क्योंकि इसको भी हम और पकाएंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा भी होगा, और रखे रखे सांभर वैसे भी बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो बस अब इसको मैं एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लूंगी, आप इसी में भी रख सकते हैं, बस मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि वो कैमरे में आपको बहुत ही अच्छे से उसका टेक्स्चर दिख पाए। और अब हमने सांभर को लगभग 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो जब तक ये हमारा सांभर पक रहा है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। और अब सांभर में एक फाइनल तड़का लगा लेते हैं। तो उसके लिए तड़का पैन में ले लेंगे ऑयल 1 बड़ा चम्मच, और उसमें डाल देंगे सूखी हुई लाल मिर्च और सरसों 1 चम्मच, और हींग ज़रूर डालिएगा, और साथ ही में कड़ी पत्ते, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच चना दाल और 1/2 चम्मच उड़द दाल, और इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब आप इस तड़के को सांभर में डालेंगे ना, तो जो दाल का एक क्रंची फ्लेवर आएगा ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। और अब इसमें डाल देंगे प्याज, 1 छोटे से प्याज को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे।
तो प्याज अच्छे से भून गए हैं और अब इसमें हम एक चम्मच सांभर मसाला और डालेंगे और एक चम्मच लाल मिर्ची बस। और इसको हमने अब गैस का फ्लेम कर देना है बंद और बस इस तरीके से मिक्स कर लेना है और जल्दी से इस तड़के को हम डाल देंगे सांभर के ऊपर। ये तड़का ना आपके सांभर का ना टेस्ट ही बदल देगा, आप इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर बनेगा। और आप एक बार इसका टेक्सचर देखो कि कितना बढ़िया आया है। और बस अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया से गार्निश कर देंगे और ये हमारा सांभर बनके तैयार है। तो आप सांभर को कुकर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, सांभर हमारा जल्दी बन जाता है। और आज मैंने आपको जो तरीका बताया है उस तरीके से कुकर में बनाने से आपकी सब्जियां बिल्कुल मैच नहीं होंगी, नहीं तो वो एकदम हलवा सी हो जाती हैं कुकर में, बट आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी हलवा नहीं होंगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।